घड़ी है, आज घड़ी के साथ कुछ DIY करते हैं। ये मेरी घड़ी है और घड़ी जो है ख़राब हो चुकी है, दरमियान से ये टूट भी गई है शीशा। तो ये ऊपर का शीशा मैं इसको अलग करूँगी, अलग करने के बाद इसके पेंट करके इसके अंदर हम प्लांट्स लगाएंगे। अब इसके ऊपर पेंट करूंगी थोड़ा सा कोई, ताकि जो शीशे के अंदर जो सॉइल वगैरह जाएगी वो छुप जाए। इसको इस तरह से डाई करके इसकी साइड्स पे मैंने ग्लू गन से लेकर और साइड पे गोंद जो होती है वो सारी गम लगा दी है, ताकि पानी बाहर ना निकले। और इसकी लाइट से सॉइल करनी है। तो इसके पास ये मेरे पास पत्ता खाद है वो, और जो है ये थोड़ी सी भलमट्टी ली है। अगर मेरे पास पीट मॉस या कोकोपीट होती तो मैं वो यूज़ करती, और वो इससे भी कम मैं इसमें सॉइल डालती, लेकिन इस टाइम पे मेरे पास वो नहीं है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ वर्मीकुलाइट, ताकि इसका मटेरियल बहुत हल्का से रहे। वर्मीकुलाइट और जो पल लाइट है वो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। पल लाइट जो है वो पल लाइट, वर्मीकुलाइट और पत्ता खाद और बहुत थोड़ी सी जो है भल मट्टी, वो मैंने इसमें यूज़ करके इसको बहुत लाइट सा मटेरियल इसका जो है वो रेडी कर लेंगे। इस तरह से अब इसमें मैंने कोलियस के प्लांट्स लगाए हैं, कुछ कोलियस की ये कटिंग्स हैं जो मैंने इसके अंदर लगाई हैं, और साथ में मैं इस तरह से इसको अंदर से लगा के सेट कर दूंगी। जब पानी हम इसमें डालेंगे तो ये खुद ब खुद से ही सेट हो जाएंगी। इस तरह से कोलियस के दरमियान में लगाएं, साइड में मैं इसके लगाऊंगी वॉन्डरिंग चू। कोशिश ये करनी है कि प्लांट्स तीनों एक जैसे से लगाएं, जिनको एक जैसी रिक्वायरमेंट हो। तो तीनों प्लांट्स को साथ में इसके वॉन्डरिंग चू लगा रही हूँ, साथ में टर्टल वाइन लगा रही हूँ। थोड़ा सा ग्रीन इफेक्ट भी आएगा, रेड और ग्रीन इफेक्ट के साथ ये थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा। तो तीनों की रिक्वायरमेंट एक ही जैसी है, पानी इनको बहुत कम ही चाहिए होता है और ब्राइट लाइट चाहिए होती है। इस तरह से तीनों प्लांट्स आपस में सर्वाइव कर जाएंगे, कंबाइंड रह के सर्वाइव करेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये एक जो घड़ी पुरानी टूटी हुई थी उसका फ्रेम मुझे बहुत पसंद था, उसको मैंने एज अ प्लांटर चेंज कर दिया है, और ये एज अ प्लांटर बहुत प्यारा लग रहा है। और इस तरह से आप देख सकते हैं, आप भी अपनी घड़ी या कुछ भी प्लांट्स लगा सकते हैं, उसमें DIY कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।